नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने सबसे पहले फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। आज हम केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। और केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, H2O। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इनका नाम था कनाद, कनाद ने कहा था। नंबर तीन देखिएगा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटोन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के अवशेषों का सफलता पूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मिलिकन ने। फिर से क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के अवशेषों का सफलता पूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच में आपसे पूछा गया कि रदरफोर्ड के प्रकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु में न्यूक्लियस की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, परमाणु। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आठ, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई अवशेष नहीं होता है किंतु प्रचरण प्रच्य प्रचक्रण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, न्यूट्रोनो न्यूट्रोनो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नाइन, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, चार। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर टेन, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम की संख्या से। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, एक आयनीय कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अगला, अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11, शायद क्वेश्चन नंबर 11 तक अभी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षे में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत चक्रण। आगे देखिएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 6। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो सभी को आंसर पता है, रदरफोर्ड ने। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सीसा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ताओं के देश के नाम पर रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पोलोनियम। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19,
किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा कहलाता है? कोबाल्ट 60। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धनात्मक तत्व के सहयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, मतलब उपयोग में लाया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया कि ऑक्सीजन की प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा F2O। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र का। चलिए, तो अभी हमने देख लिया 26 क्वेश्चन, आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि सभी अम्ल धातुओं की से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकलते हैं? यहाँ पूछा गया आपसे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.35 से 7.45। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन के सभी अम्ल एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो डेवी ने। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस से जैसा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च दाब। तो हमने 30 क्वेश्चन अभी तक देख लिया, हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 से ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दुगुना होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में से भिन्न गैसों के समान आयतन किसकी संख्या के समान होती है? तो अणुओं की संख्या के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पदार्थ अमोनिया की हाइबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, CO। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्पर्श प्रक्रम। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर का में क्या भरकर गैस गंधयुक्त बनाया जाता है? तो गंधयुक्त बनाया जाता है मैर कैप्टन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, एलपीजी में कौन सी गैस प्रमुख रूप में होती है? तो सभी को पता है ब्यूटेन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा CO+H2। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गंधे कामला। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है आपसे पूछा गया है, क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त करें CO2 गैसे CO2 प्राप्त करें या CO2 गैसे ठीक है उत्पन्न करता है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 43 है, पेट्रोल से लगने वाला आगे के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाला। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 43 तक अभी हमने देखा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 से थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को, देखिए 44 में आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्तीय सारणी का निर्माण किया था, तो सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 का, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, मोसले ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, किसे एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पर आधुनिक सारणी आधारित है, तो परमाणु संख्या पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम क्या, कास्टिक सोडा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर मिलाकर रखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट। देख लीजिएगा क्वेश्चन, रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्य मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नालाइट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैध अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो बुझे हुए चूने क्लोरीन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो लौह हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, लोहे की इस्पात में बदलने की कौन सी धातु मिलाई जाती है, मतलब लोहे को अगर इस्पात में बदलना होगा तो कौन सी धातु मिलाई जाएगी, तो निकेल हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु को उपयोग में लाई जाती है, तो क्रोमियम, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर अभी हमने देख लिया 54, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनिलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 57 में, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 58, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विल्सन बीमारी। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, जस्ता धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। आगे देखिएगा, राज्य राजस्थान स्थित जान जवार जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जस्ता। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कृतनाशी रेटोनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फास्फाइड जिंक फास्फाइड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेटोनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, चांदी का
निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटाई, अर्जेंटाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जल्दी से देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा अर्जेंटाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से। देखिए, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चांदी। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 66 को, 18 कैरेट के मिश्रण सोने में शुद्ध शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% सोना शुद्ध होता है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 67 अभी हमने देख लिया। सामान्य सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ है मरकरी वेपर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, मरकरी मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, सीसा का निष्कर्षण, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गैलेना, गैलेना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत है किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन। आगे देखिएगा, राजस्थान स्थित डेनेगा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में पिघल जाता है? तो गैलिनियम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैडमियम या बोरोन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निकेल। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने देख लिया 78 क्वेश्चन, हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 78 के बाद, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है 79, रेडियो रेडियो धर्म तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, किस रेडियो धर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटेनियम का। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम का। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन, उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत वर्ष में
लार्जेस्ट मतलब भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87, किस धातु को प्राप्त करने के किसी किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है, मतलब बॉक्साइड अयस्क से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है, शायद ये पूछा गया था, एल्यूमिनियम। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, गंदले मतलब गंदे होगा शायद, पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करती है, गंदे पानी को, सॉरी यहाँ गंदे लिखा हुआ है ठीक है ना, तो गंदे पानी को किस प्रक्रिया से स्कंदन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, माणिक्य और नीलम रासायनिक के रूप से कौन से कैसे जाने जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक के प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी होती है, तो नाइक्रोम होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा 92, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को हम जल्दी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 तक अभी तक हमने देख लिया, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 से 97, अभी काफी क्वेश्चन बाकी है उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए 94, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा 95, किस धातु से बना मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों की पुर्जों को बनाने में काम लिया जाता है, तो एल्युमिनियम। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लूटेनियम। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फल स्वरूप अंततः क्या बनाया जाता है, तो सीसा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सीसा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 98 से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से, पीतल किसकी मौजूदगी में नियंत्रण रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन को, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, पाइरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी होती है, पायरेक्स का मतलब क्या उत्तरदायी होती है, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए, तो बोरेक्स हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा 101 है, कांचे प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो पायरेक्स कांच का। आगे देखिएगा 102, फोटोक्रोमिक कांचे में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, रजत ब्रोमाइड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103 को, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 106, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, तो आप सभी को आंसर पता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने का कारण है, तो जल का पारावैद्युत स्तरांक। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 109, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग जल है, तो 71% भाग क्या है, जल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110, समुद्र जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, आश्वासन द्वारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111, एक नाभिकीय रिएक्टर में भरी
जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112, हाइड्रोजन के साथ है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को पता होगा। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 को हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 113, सॉरी क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे पूछा गया है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक के ऊपर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखते ही दुधिया हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 116, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 117, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन से गैस है? कौन से सॉरी मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन सी उपस्थित होती है? तो CO2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर से मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखिएगा, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। ठीक है, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की कांचे निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मुख्य घटक है? सिलिका। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 121 से, फ्लैश बल्बों में से किसका वायुमंडलीय में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? फिर से देखिएगा, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 122, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। फिर से देखिए, बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे क्या पूछा गया, देखिएगा ध्यान से, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO, नाइट्रोजन। NO देख लीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न करता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 125, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया का। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 126, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहे का। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 127, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैस के मिश्रणों का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 के बाद क्वेश्चन नंबर 128, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि सुपरनोवा के वायु समताप मंडल किस पदार्थ का विसर्जन करते हैं? तो NOx, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, गंधक कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक के की विलय जैसी संरचना बनाते हैं? गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक के जैसी विलय संरचना बनाते हैं? तो 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको देख लेते हैं। 132, वायु की किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा SO2। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सल्फर ऑक्साइड है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 133, संकरा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो कार्बन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा हेलोजन तत्व जीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 135, किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136,
वायु यानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वायु यान के टायरों को भरा, मतलब टायर को जो भरा जाता है ना हीलियम गैस से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 137। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों को बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 138। और आज का अंतिम क्वेश्चन, केमिस्ट्री का सभी क्वेश्चन अभी हमने देख लिया। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाना चाहिए? तो आर्गन से भरा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने इस वीडियो में कोशिश किया कि केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख ले। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और मैं बता दूं, टोटल 160 क्वेश्चन है बायोलॉजी के शायद, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का